आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस के बचाव में उतरी कांग्रेस। जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित, कोविड-19 को लेकर भाजपाई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग। दरोगा एवं भाजपा नेता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने को लेकर हुई थी नोकझोंक। नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का किया घेराव, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई थी धज्जियां। पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कांग्रेसी नेता ने भाजपाई कार्यकर्ताओं को बताया गुंडा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने एवं 188 की कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के नाम क्षेत्राधिकारी पिनाहट को कांग्रेस जिलाध्यक्ष आगरा मनोज दीक्षित ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता ने दिया अल्टीमेटम, 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर करेंगी धरना प्रदर्शन, करेंगे कार्रवाई की मांग। थाना पिनाहट क्षेत्र के कस्बा सदर में हुआ था पूरा मामला। हो रहे हैं तो जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के जो लोग हैं तो थाने में घुस के व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या है जिसको? नहीं, इसके पीछे यहाँ का जो ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरा उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं अगर यहाँ आई हूँ तो मैं चाहूँगी तो ही यहाँ कहाँ का लॉकडाउन का नियम टूटेगा। कार्यकर्ता कोई नहीं तोड़ता है किसी का कानून, लेकिन यहाँ के जो भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वयं आए, मैं उनसे भी इस्तीफे की मांग करती हूँ कि जितनी भी जो महामारी फैलाई जा रही है वो सिर्फ भाजपा के दबंगे और जो भाजपा के मानसिकता वाले लोग हैं वो ही फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो मैं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि कोरोना वैश्विक महामारी ऐसी महामारी नहीं जिससे लोग जिस तरह से भयभीत हो, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं दबंगे और गुंडई को सहारे। तो मैंने जिन लोगों ने यहाँ आकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष का, उनके खिलाफ़ FIR होनी चाहिए।